आइए आगे। हम जानते हैं कि आज आज सभी को पता है कि आज ब्यूटी का स्किन से रिलेटिव जितने भी समस्याएं हैं उन सारी चीजों का आज हम यहाँ पे बात करेंगे। ब्यूटी से रिलेटिव बात करेंगे, थोड़ी सी हेयर से रिलेटिव बात करेंगे, हेल्थ से रिलेटिव बात करेंगे, सारी चीजों का हम थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। हमारा अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड बिजनेस है, ये हर परिवार को स्वस्थ और खूबसूरत और समृद्ध बनाने का बिजनेस है। तो मैं आप सबका फिर दिल बिल्कुल से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सब यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मायने रखता है वो हमारा चेहरा होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत लगूं, अट्रैक्टिव लगूं और हर किसी से हटके लगूं, क्योंकि कहा जाता है कि चेहरा ही हमारा पहचान होता है, हमारी पर्सनैलिटी हमारी पहचान होती है। क्योंकि जहां पे आपका चेहरा और आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, वहां हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना, आपके साथ चलना, आपके साथ उठना, आपके साथ बैठना, आपके साथ काम करना पसंद करता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझसे खूबसूरत कोई ना लगे। कहीं ना कहीं अगर उससे खूबसूरत कोई बंदा वहां पे आता है तो थोड़ी सी लगता है कि मैं ऐसा लगूं, ये सुनो लगता है। क्योंकि दुनिया में आप देखते हैं कि हमारा जो चेहरा होता है ये सबसे अट्रैक्टिव होता है और यही हमारी पहचान होती है। आपका चेहरा स्मार्ट है, खूबसूरत है, तो हर व्यक्ति आपको एक बार पलट के देखेगा, क्योंकि खूबसूरत चीज के पास हर कोई जाना पसंद करते हैं। और हमारे आदरणीय सर का तो नारा ही है, खूबसूरती की हद पार करो। तो खूबसूरती की हद तो पार करना है, साथ ही साथ हमें हेल्थ को भी मेंटेन करना है, अपने आप अपना जो बॉडी है उसको फिट एंड फाइन बना के रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए चलते हैं, हमारे पास अल्टोस में 5 तरह के फेस वॉश हैं। सबसे पहले आता है फेनर्स फेस वॉश। फेनर्स फेस वॉश बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूले से तैयार किया गया है। जो इसमें फ्रूट्स हैं, इसमें ऑयल हैं, ये हमारे चेहरे के जितने भी पिगमेंटेशन होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, एक्ने होते हैं, उन सभी को हटाने में मदद करते हैं। और मैं एक बोलना चाहूंगी, जो फेनर्स फेस वॉश है ये ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा सजेशन नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राई होता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट से बनाया गया होता है, फल फ्रूट से बनाया होता है। इसलिए अगर आप ड्राई स्किन पे अगर इसको अप्लाई करते हो तो वो थोड़ा सा, वो अभी जो ठंड का मौसम है तो उसमें ये थोड़ा सा चेहरे को फटने में मतलब थोड़ा ज्यादा वो करता है। तो इसके लिए मैं सजेशन नहीं देना चाहूंगी कि आप इसको ठंड में, जिनके चेहरे ड्राई हैं वो इसको यूज ना करें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पपाया। पपाया फेस वॉश दोस्तों, पपाया जो फेस वॉश होता है वो क्या होता है, जो पपीता होता है वो हमारे स्किन के जितने भी दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, झुर्रियां, ये जितनी भी चीजें होती हैं उनको हटाने में मदद करता है। अगर आप हमारे पास पपाया गिलोय टेबलेट है, वो सिर्फ आपके बुखार या आपके बुखार उखार के लिए काम नहीं करता दोस्तों, वो आपके अंदर के लिए भी काम करता है, आपके अंदर की खूबसूरती को बरकरार करने में काम करता है, क्योंकि उसमें पपाया और गिलोय मिला हुआ होता है। तो साथ ही साथ आप उसका सेवन करें। और इस पपाया फेस वॉश का आप अगर आप यूज करते हैं, जिनके चेहरे पे झाइयां होती हैं, एक्ने होता है, रिंकल्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन फेस वॉश है। आप इसका बिल्कुल अप्लाई करें अपने चेहरे पे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नीम, नीम फेस वॉश। दोस्तों अभी के डेट में आपने देखा होगा हमारा खान पान जितना भी है वो पेस्टिसाइड हो गया है, केमिकल युक्त हो गया है, तो उसके वजह से जो भी हम खाते पीते हैं उसका पूरा साइड इफेक्ट हमारे चेहरे पे आता है। जितने भी हमारे चेहरे पे जल्दी उसका अफेक्ट प्रभाव दिखता है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी से जो हमारा जो चेहरा होता है बहुत ही नाजुक होता है। अगर हम चिंता करते हैं, मनन करते हैं या कुछ खाते पीते हैं उल्टा पुल्टा, उसका पूरा प्रभाव हमारे चेहरे पे दिखता है। तो इसीलिए जिनके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल के जो लक्षण आते हैं, जिनके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल होते हैं, वो नीम फेस वॉश का यूज करें। नीम होता है वो कड़ू होता है, और जो कड़ू होता है, बहुत ज्यादा कड़ू होता है, वो बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। और जहां भी आपके जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जो पिंपल में जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उनको खत्म करने में मदद करते हैं और दोबारा दोबारा से उनको आने में रोकता है। फिर साथ ही साथ हमारे पास गोल्ड फेस वॉश है दोस्तों। गोल्ड फेस वॉश वो फेस वॉश है जो जिसमें बहुत ही एक जबरदस्त ऑयल मिला हुआ है। जो वो ऑयल होता है, जो गोल्ड फेस वॉश का जो ऑयल होता है, इसमें विटामिन के बहुत सारे मिश्रण हैं, लाइक विटामिन ई, विटामिन सी, ये सारी चीजें इसमें मिला हुआ है जो इसका ऑयल हो इसमें। तो ये हमारे चेहरे के ऑयली पना को बरकरार रखता है। जिनके चेहरे में ऑयल नहीं आता,
तो वहां ज्यादा बहुत ज्यादा शिकायत होती है स्किन खराब होने के। जिनके चेहरे में ऑयल आते हैं उनके स्किन अच्छे होते हैं, वहां ज्यादा पिंपल का प्रभाव नहीं पड़ता, और जिनके चेहरे में ज्यादा ऑयल नहीं आते वहां पे पिंपल का ज्यादा लक्षण दिखता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल गोल्ड फेस वॉश का यूज करें। फिर एक हमारे पास बहुत ही बेहतरीन फेस वॉश है, वो फेस वॉश है चारकोल फेस वॉश। लगभग लगभग हमारे जाबाज टीम से सभी लोग चारकोल फेस वॉश यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं। और हमारे अल्टोस का नंबर वन फेस वॉश है वो। जो चारकोल फेस वॉश होता है दोस्तों, ये जो चारकोल होता है ये हमारे स्किन के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसमें क्या होता है, ये जो चारकोल, जो छोटे छोटे चारकोल होते हैं, इससे कॉफी उफी जो भी होता है इसका भी निर्माण किया जाता है। तो ये जो चारकोल होता है ये हमारे स्किन में घुस के, हमारा जो चेहरा होता है वो 3 लेयर का होता है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। ये थर्ड लेयर में जाके, हमारी स्किन के थर्ड लेयर में जाके जितने भी धूल मिट्टी प्रदूषण होते हैं वो सारी चीजों को बाहर निकालता है। तो आप बिल्कुल, मैं सजेशन देना चाहूंगी, ये जितने भी स्किन टाइप होते हैं वो सारे स्किन के लिए होते हैं, चाहे वो नॉर्मल स्किन हो, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो। आप ये जितने भी 3 टाइप की स्किन है उस स्किन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है पूरा हमारा बॉडी, हम कैसे वॉश करें। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के बॉडी वॉश हैं, एक मिल्क बॉडी वॉश है और एक स्ट्रॉबेरी बॉडी वॉश है। अभी ठंड में आप बिल्कुल जो मिल्क बॉडी वॉश है उसको यूज करें, ये क्रीम से बना हुआ है, ये आपके बॉडी को बहुत सॉफ्ट रखेगा और अभी जो ठंड का मौसम उस ड्राई होने से बचाएगा। और साथ ही साथ ये जो अभी गर्मी में जो हमारा स्किन जो पपड़ी छोड़ता है, आपने देखा होगा जब ज्यादा ठंड करेगा तो हमारे स्किन पे पपड़ी जैसा होता है, रिंकल्स लाइन लाइन जैसे हो जाते हैं, उससे ये रोकेगा। अगर आपको दिन भर तरोताजगी चाहिए तो आप स्ट्रॉबेरी बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रॉबेरी होता है वो हमें पूर्ण रूप से फ्रेशनेस और ताजगी प्रदान करता है, तो आप बिल्कुल इन सभी चीजों का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पूरे बॉडी के लिए था, हम पूरे बॉडी को कैसे अभी इस ठंड से हम बचा सकते हैं, क्योंकि जो ठंड का मौसम होता है लगने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, हमारे बाहरी आवरण के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों, हम हर महीने या किसी कारणवश किसी हफ्ते हम पार्लर नहीं जा पाते या अपने अपने खूबसूरती पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने चेहरे पे ध्यान नहीं दे पाते, तो उसके लिए हमारे पास हमारे अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने बहुत ही मिरिकल मिरिकल बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स लाए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्क्रब है, पैक है, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप कहीं भी जाते हो तो आपको ऑन द स्पॉट ग्लो लाने के लिए, आपके चेहरे पे फ्रेशनेस लाने के लिए, पार्लर जैसे निखार लाने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रब की बात करूं तो हमारे पास 3 तरह के यहाँ पे स्क्रब है। पहला है फ्रूट स्क्रब, दूसरा है एलोवेरा स्क्रब, तीसरा है एप्रिकोट स्क्रब। तो आप बिल्कुल कहीं जा रहे हो तो आप स्क्रब यूज करें पहले अपने चेहरे, पहले तो आपको क्लिंजिंग करना है। क्लिंजिंग के लिए क्या है, हमारे पास फेस वॉश है, ठीक है, और क्लिंजिंग के लिए हमारे पास और बहुत सारे टोनर हैं। तो आप पहले अपने चेहरे को क्लिंजिंग करें, उसके बाद अपने चेहरे पे स्क्रब अप्लाई करें। स्क्रब जब भी आप ठंड में अभी आप स्क्रब करोगे तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इसको जैसे हम अपने चेहरे पे साबुन या फेस वॉश लगाते हैं उस तरह से आपको नहीं करना है, इसको हल्के हल्के हाथों से आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। क्योंकि जो हमारा स्किन होता है, जो हमारे स्किन का जो चमड़ी होता है बहुत पतला होता है, ये जो हमारा फर्स्ट लेयर का जो स्किन होता है, ये जो सेकेंड लेयर में जो भी हमारे पिंपल होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो हमारे फर्स्ट लेयर में आने के बाद उसको छुपाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी कुछ भी आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो तो उसको बहुत ही सावधानी से आपको अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, उसको रगड़ना नहीं है चाहे जो भी आप अप्लाई करते हो, क्योंकि जो स्क्रब में जो छोटे छोटे दाने होते हैं वही हमारे रोम छिद्रों को खोलने का काम करते हैं। अगर आप उसको ज्यादा घर्षण करते हो तो वो आपके चेहरे में हो सकता है इन्फेक्शन दे, लालिमा जो लाल लाल हो जाता है उस तरह का लाल हो जाए, मतलब इन्फेक्शन के लक्षण वो दे सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका स्किन अगर ड्राई है तो आप फ्रूट स्क्रब ना यूज करें, एप्रिकोट स्क्रब करें। जो एप्रिकोट स्क्रब है वो ऑलराउंडर चेहरे के लिए है, 3 टाइप्स चेहरे के लिए है, ठीक है। और जो एलोवेरा स्क्रब है हमारे पास, ये भी जो एलोवेरा होता है वो आपको पता है कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे
एक्सटर्नर और इंटरनर दोनों के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। इसको आप बिल्कुल ऑलराउंडर स्किन में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैक। दोस्तों यहाँ पे हमने क्लिंजिंग कर लिया, स्क्रब कर लिया, अब यहाँ पे आता है पैक। कभी भी आप अगर स्क्रब करते हो तो अपने फेस को पहले अच्छे से क्लिंजिंग करें फिर स्क्रब करें, ये बहुत जरूरी है। कहीं भी आके स्क्रब को अप्लाई ना करें क्योंकि इसका उल्टा असर हो सकता है। जब तक आपके चेहरे के धूल मिट्टी प्रदूषण नहीं निकलता तब तक आप अपने चेहरे पे स्क्रब इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है पैक। कभी भी आप स्क्रब इस्तेमाल करते हो तो पैक लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्क्रब से जो हम स्क्रब किए रहते हैं तो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं वो पूर्ण रूप से खुल जाते हैं, तो उनको ढकना बहुत जरूरी है, बंद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसके लिए आप यहाँ पे हमारा जो पैक है, यहाँ पे हमारा पपाया पैक है, गोल्ड फेस पैक है, केसर पैक है और नीम एलोवेरा फेस पैक है, तो इनमें से आप बिल्कुल पैक को अपने चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी आप पैक लगाते हो तो ऐसे नहीं लगाना है, चेहरे की ऊपरी परत से आपको पैक लगाना है, क्योंकि हम कभी भी ऐसे पैक लगाते हैं तो जो हमारा चेहरा होता है वो झूल जाता है, ठीक है। कभी भी पैक लगाओ तो उसको ऊपर की तरह से ऊपर ले जाते हुए हमको पैक लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है शाइन बार। दोस्तों शॉप है हमारे पास तीन तरह के शॉप हैं, शाइन बार है, केशर शॉप है और शाइन फेशियल शॉप है। दोस्तों इन सभी का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब है। मैं जब मैं अल्टोस में आई तो मेरी बहन की जो लड़की थी, मैं आपको बता दूं, उसे चर्म रोग से वो ग्रसित थी। तकरीबन 1-1.5 साल से हम उनका इलाज करवा रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मुझे मेरे अपलाइन के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे जो चर्म रोग होता है, हमारे स्किन पे छोटे छोटे सफेद सफेद दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उसके लिए जो साइन बार है, जो साइन बाथिंग बार है, वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, सीला बोलते हैं, जो पीठ पे हो जाता है छोटा छोटा, ये सीला में भी बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों। क्योंकि हमारे स्किन पे या हमारे बॉडी पे अगर छोटा सा भी दाग हो तो वो हमारे खूबसूरती को कम करने के लिए काफी है, और कोई नहीं चाहता कि मेरे स्किन पे या मेरे बॉडी पे किसी भी तरह का दाग धब्बा हो, ठीक है। तो उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए हमारे अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लाए हैं, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये जो साइन बार है ये सीला में भी काम आते हैं। मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप किसी कोई भी अगर आपको बोलता है तो आप ये शाइन बार दें और साथ में बॉडी ऑयल दें, ये दोनों रामबाण हैं, और ये आपके चेहरे के लिए, आपके चेहरे के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपका जो चेहरा है वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही मुलायम रहेगा। बहुत लोग क्या होते हैं कि हम फेस वॉश डेली यूज नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, तो शिकायत, तो आप फेस वॉश यूज भी नहीं भी कर रहे हो तो हमारे अल्टोस का ये जो तीन शॉप है उसको बिल्कुल यूज करें और अपनी खूबसूरती को बरकरार रखें, ठीक है। ये आपकी दिन भर की जो आप दिन भर का जो आपका दिनचर्या रहता है तो उससे क्या होता है हमारे चेहरे पे धूल मिट्टी प्रदूषण, पिगमेंटेशन, सूर्य की किरणों से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे किरण होते हैं जो हमारे लिए घातक होते हैं, उन सारी चीजों को बाहर निकालने में मदद करता है। फिर हमारे पास आता है केसर सॉप। ये त्वचा को बहुत मुलायम और बहुत खूबसूरती प्रदान करता है। ये हमारी त्वचा की गहराई तक जाकर ये हमें खूबसूरत त्वचा देता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे आपके घर में अगर नवजात शिशु है, नवजात बच्चा है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया गया है दोस्तों। लाइक दैट आप देखते हो कि मार्केट से हम कुछ प्रोडक्ट्स लाते हैं, जॉनसन बेबी है, ये है, ये भी बहुत परफेक्ट है, जबरदस्त है, क्योंकि वो सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया होता है। उसी तरह जो हमारे अल्टोस का ये केसर सॉप है, इसको आप अपने बच्चों को, अगर आप अपने बच्चों को नहलाते हो, यूज करते हो, तो उससे आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ उससे उसको कभी भी स्किन से रिलेटिव कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। साथ ही साथ ये आपकी त्वचा को कोमलता प्रदान करेगा। और एक बात, जो यहाँ पे हमारा शाइन होम फेशियल बार है, ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, शाइन होम फेशियल बार मतलब शाइन होम फेशियल बार आवश्यक नमी
वो रखने में बरकरार रखता है, जो हमारे चेहरे में सूखापन होता है, हमारे चेहरे में ड्राई होता है, उसको दूर करके खत्म करके ये हमारे चेहरे में ऑयल प्रदान करता है, हमारे चेहरे में मॉइस्चराइजिंग प्रदान करता है, जिससे हमारी खूबसूरती बरकरार रहती है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप फेशियल नहीं करा पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू अपने चेहरे पे ही इस सॉप का यूज करें, आपके चेहरे पे बिल्कुल फेशियल जैसा लुक आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। अगर आप पूरे बॉडी में अगर इसको यूज करते हैं तो आपकी बॉडी पूर्ण रूप से चमकदार रहेगी, क्योंकि इसमें जो ये जो सॉप है, ये जो हमारा जो पूरा बॉडी होता है दोस्तों, पूरा हमारा जो बॉडी होता है वो 3 लेयर का होता है, हमेशा 3 लेयर का, जो हमारी स्किन नहीं, हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो 3 लेयर की होती है, ठीक है। अगर आपका प्रथम जो लेयर होता है, जो पहला लेयर होता है वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो आपके अंदर के लेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं कि आप बाहरी आवरण को अच्छे से रख सकें, अपनी खूबसूरती को मेंटेन कर सके, अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकें। ये उन लोगों के लिए मैं सजेशन देना चाहूंगी जो फेशियल नहीं करा पाते हैं, नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल इसको सिर्फ अपने चेहरे पे अप्लाई करें हर रोज हर रोज। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसको लगा के फेस वॉश भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको यूज कर लिए तो आप फेस वॉश नहीं हो, इसको लगाने के बाद भी आप अपने चेहरे पे फेस वॉश यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, हम कहीं जाते हैं, लाइक हमारा फील्ड का काम है, तो हम कहाँ जाते हैं, हम हमेशा फील्ड पे रहते हैं, तो हमारे आदरणीय सर बोलते हैं अपना सवांगा पकड़ के घूमो, क्रीम पाउडर स्मू जो भी है, तो साथ ही आप टोनर भी पकड़ के घूमते हो, तो कहीं भी आप जा रहे हो तो आपको लुक लाइक बिजनेसमैन दिखना है, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के टोनर हैं। पहले है रोज टोनर, फिर गोल्ड टोनर, फिर फेशियल स्किन टोनर, ठीक है। तो ये जो रोज टोनर और गोल्ड टोनर है इसको आप बिल्कुल हमें हमेशा अपने साथ रखें, और जो ये फेशियल स्किन टोनर है इसको सिर्फ नाइट में यूज करना है, आप इसको डे में यूज नहीं कर सकते, इसको नाइट में यूज करना है। तो पहले हम बात करते हैं रोज टोनर और गोल्ड टोनर की। आप इसको अपने चेहरे पे इस्तेमाल करें, बस वो ढक्कन खोले, लगाएं पोछें और क्रीम लगाएं, व्हाइटनर व्हाइटनिंग लो, और लुक लाइक अ बिजनेसमैन बन के प्लान दिखाने जाए, ऑन द स्पॉट आपको ग्लो देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, मैंने अभी आपको बताया कि फेशियल स्किन टोनर, दोस्तों जो ये फेशियल स्किन टोनर है इसको नाइट में यूज करना है। इसको नाइट में कैसे यूज करना है, आपके चेहरे को पहले क्लिंजिंग करना है, फेस वॉश से धोना है, या फिर आप जो हम मैंने आपको बताया फेशियल सॉप से भी आप उसको वॉश करके आप इस स्किन टोनर को एक कटोरी में लेके या कुछ अच्छे साफ सुथरे बर्तन में लेके इसको हाथ से नहीं लगाना है, इसको कॉटन से यूज करना है, रुई से अपने चेहरे पे हल्के 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 इसको लगाना है, हाथ नहीं लगाना है। अगर हो सके तो इसमें आप 1 से 2 बूंद तुलसी पाउडर डाल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये तुलसी का बना हुआ है, फिर भी अगर ज्यादा आपको ग्लो चाहिए तो आप इसमें तुलसी पाउडर डाल ऐड करके आप इसको कॉटन से लगाना है, हाथ से कभी ना लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे क्लिंजिंग मिल्क। ये जो क्लिंजिंग मिल्क है और एक्शनन लोशन नींबू से बना हुआ है, ये क्या होता है, हमारे जो हम मेकअप करते हैं, जो हमारा मेकअप होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। दोस्तों जेंट्स लोग तो उतना ज्यादा मेकअप नहीं करते, लेकिन लेडीज लोगों को बहुत ज्यादा मेकअप की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये उनके लिए है और आपके लिए भी है। जैसे आपने मेकअप किया हुआ है तो क्या होता है, कभी कभी जो हम फेस वॉश या सॉप से हम अपना स्किन धोते हैं तो हमारा जो मेकअप होता है वो पूर्ण रूप से रिमूव नहीं हो पाता, तो वो जो जो हमने मेकअप लगाया हुआ होता है वो तीसरे लेयर तक जाता है, तीसरे लेयर की गहराई तक जाता है। अगर हमने दिन भर अपना मेकअप रखा हुआ है तो तीसरे लेयर की गहराई तक जाके हमारी स्किन को थोड़ा सा साइड इफेक्ट करता है, थोड़ा सा क्या, आप कितने लोगों को सूट भी नहीं करता। तो उसके लिए अगर आप नाइट में किसी भी पार्टी वार्टी या बाहर से आ रहे हो तो अगर आप इस क्लिंजिंग मिल्क का यूज करते हो, इसमें खीरा और एलोवेरा मिला हुआ है दोस्तों, जो खीरा होता है हमारे स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है, डॉक्टर भी सलाह देते हैं खीरा खाओ खीरा खाओ, इससे क्या होता है हमारी खूबसूरती मेंटेन रहती है, हमारा चेहरा खिला खिला दिखता है। जो खीरे के बीज में बहुत सारे विटामिन होते हैं वो
वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है हमको, और एलोवेरा तो आपको पता है। तो इसको आप जब यूज करते हो नाइट में, तो इसको भी ऐसे नहीं लगाना है। कभी भी आप अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई करते हो तो आपको अपने चेहरे को ऊपर की ओर ले जाते हुए इसको यूज करना है। कभी भी ऐसे यूज ना करें, इससे चेहरा जल्दी झुलता है। आपके अगर कुछ प्राइवेट पर्सनल डॉक्टर भी, उनसे आप एडवाइस ले सकते हो। बट कभी भी आप कुछ भी यूज कर रहे हो लाइक नहाने के समय या कुछ भी, तो आपके चेहरे को ऐसे ना धोएं, हमेशा ऐसे धोएं। ऐसे क्या रहता है, इससे हमारा स्किन जो होता है वो टाइट रहता है। तो इसको आप 3 स्टेप में इसको मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो मेकअप होता है पूरा रिमूव हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम जेल लोशन नींबू और एलोवेरा के साथ है। इसको अगर आप लगाते हो तो ये आपके चेहरे में तुरंत फ्रेशनेस, ताजगी प्रदान करता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये जो एक्सट्रीम लोशन है, ये मतलब ठंडक पना हमारे चेहरे को बहुत ठंडक पना प्रदान करता है। इसको अगर ये मैंने पार्लर में दिया है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने पाया है। बहुत अच्छे से जो मैडम है वो बताई है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है करके। तो इसको भी आप नाइट में यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप आपने मेकअप किया हुआ है, वो मेकअप आपको पसंद नहीं है, तो आप बिल्कुल फेस वॉश करके तुरंत इसको लगा के आप उस मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे जो गहराई में जो छुपा हुआ होता है हमारे स्किन के, जो जो भी क्रीम पाउडर जो भी हम लगाए रहते हैं, वो पूर्ण रूप से हमारे चेहरे से हटता है, रिमूव होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे बॉडी लोशन। दोस्तों अभी ठंड का मौसम है ना, ठंड का मौसम है, सभी के घर में बॉडी लोशन आएगा, तरह तरह की बॉडी लोशन आएंगे। लेकिन अल्टोस में जो आ गया, उसके घर में अल्टोस का ही बॉडी लोशन जाएगा, ये सुनो। तो यहाँ पे हमारे पास 5 से 6 तरह के यहाँ पे लोशन है। सबसे पहले आता है रोज बॉडी लोशन, जोजोबा बॉडी लोशन, हनी सेफ्रॉन बॉडी लोशन, ओल्ड क्रीम, फ्रूट यंग लुक, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रूट क्रीम है, एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल। इतने तरह के हमारे पास वैरायटी हैं, आप इनमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके यूज करने का भी तरीका बिल्कुल अलग है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रोज जो बॉडी लोशन है, इसको आप डे में यूज कर सकते हैं। जोजोबा बॉडी लोशन है, उसको भी आप डे में यूज कर सकते हैं। हनी सेफ्रॉन बॉडी लोशन, इसको आप नाइट में भी और डे में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप कुछ लगाना नहीं चाहते तो आप इस बॉडी लोशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हनी मिला हुआ है। जो हनी होता है और सेफ्रॉन होता है, वो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। आप इसको नाइट में लगा के सो सकते हैं। और ये मैं कोल्ड क्रीम की बात करूं, मैंने इसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट पाया है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैंने नागपुर में इसको मैं दी थी, उस टाइम तो खैर हल्दी केसर नहीं आया था, बट हल्दी केसर आने के बाद इसका रिजल्ट मैंने खुद ट्राई किया। अगर आप इस क्रीम को यूज करें, ये क्रीम मेरे पास अवेलेबल नहीं, आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, इस क्रीम के साथ अगर आप हल्दी केसर एक बूंद डाल के, आप जब नाइट में सो रहे हो तो हल्दी केसर इसमें एक बूंद डाल के आप सो जाओ अपने चेहरे पे लगा के, इतना जबरदस्त आपके चेहरे में ग्लोइंग आएगा कि मैं बता नहीं सकती। चाहे जितना भी सांवला चेहरा हो, उसमें आप 15 दिन के अंदर, महीने दिन के अंदर आप उसमें अलग सा आपको उसमें ग्लो मिलेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो आप बिल्कुल, आपके पास हल्दी केसर अवेलेबल है तो इस कोल्ड क्रीम के साथ, जो आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हो, उस कोल्ड क्रीम के साथ इसको मिला के आप लगाएं, अप्लाई करें अपने चेहरे पे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्ट यंग लुक। इसको आप पूरे बॉडी में लगा सकते हैं, पूरे बॉडी पे इसको यूज कर सकते हैं, डे हो या नाइट हो, ठीक है। फ्रूट का भी, फ्रूट क्रीम का भी आप यूज कर सकते हैं। जो हमारा ड्राई स्किन होता है उसके लिए तो मैं सजेशन नहीं देना चाहूंगी, लेकिन जो नॉर्मल और ऑयली स्किन है वो बिल्कुल इसको यूज करें। उसके बाद हमारे पास आता है एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल। मैं इसका हमेशा यूज करती हूँ, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मैं इसका हमेशा यूज करती हूँ। इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल आप इसका यूज कीजिए। ये जो एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल है दोस्तों, ये हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, हमारे चेहरे में ऑयल लाने का काम करता है, हमारे चेहरे में पसीने लाने का काम करता है। अगर आपके चेहरे में और आपके बॉडी में पसीना आ रहा है
तो आपका बॉडी और आपका चेहरा, आपका पूरा शरीर एकदम फिट एंड फाइंड है, क्योंकि हमारे बॉडी और चेहरे और सभी मतलब पसीना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पसीने से टॉक्सिन बाहर होता है। तो आप इसको अगर यूज करते हाँ, और एक मैं बात बोलना चाहूंगी, अगर आपके घर में नवजात बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, तो वहां भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, मैं माताओं बहनों और भाई बहनों सभी के लिए बता रही हूँ। आपको कहीं भटकने की जरूरत है, आपको आपके स्किन के लिए, आपको इंटरनल प्रॉब्लम है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आप हर जगह इसका यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लिप बाम है, अल्टोस का बहुत जबरदस्त लिप बाम, अभी हर हर किसी के जेब में आपको मिलेगा ये, क्योंकि ठंड का समय आ गया है, जो हमारे होंठ होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, ठंड से सबसे ज्यादा हमारे होंठ फटते हैं, तो कहीं भी निकालें लगाएं। इसमें जो विटामिन ई होता है दोस्तों, जो हमारे लिप बाम में विटामिन ई होता है, वो हमारे होंठ को कोमल और बहुत ही चमकदार बनाता है और फटने से बचाता है। तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेगा, वो है अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड, ठीक है। इन सारी चीजों का बिल्कुल यूज करें आप। और मैं एक खास चीज बात बोलना चाहूंगी, ये उनके लिए है जिनके चेहरे पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, स्किन ट्रीटमेंट स्पेशली। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पे झाई हैं, और आपने अक्सर देखा होगा जो ये हमारा आंख है, आई है, उसके आइट साइड में तिल हो जाता है, काला काला तिल हो जाता है। वो क्यों होता है? वो हमारे खान पान की वजह से होता है, क्योंकि वो जो छोटा सा तिल होता है उसको बड़ा आकार लेने में समय नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि जो हमारा ये जो जगह होता है, ये जो पार्ट्स होता है, बहुत ज्यादा जब भी हम फ्रस्ट्रेशन रहते हैं हमारे चेहरे पे, या हम तनाव ग्रसित रहते हैं, तो उस सारी चीजों का नुकसान हमें यहाँ दिखता है। तो हरदम खुश रहें, टेंशन से दूर रहें, तो आपके चेहरे में खूबसूरती हमेशा बरकरार रहेगी। तो उसके लिए हमारे पास बहुत जबरदस्त यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे अल्टोस ने लाया है नीम प्लस एंटी एक्ने पिंपल जेल। ये उनके लिए है जिनके चेहरों पे पिंपल होते हैं, जिनके चेहरों पे पिंपल होते हैं तो वो पिंपल से बहुत ज्यादा ग्रसित होते हैं, और एक्ने से भी पिंपल हुआ है तो एक्ने होना तो जरूरी है। एक्ने मतलब जो दाग धब्बे हैं, पिंपल होने के बाद जो दाग छोड़ते हैं उनको हम एक्ने बोलते हैं। तो उसके लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर कोई ग्रसित है तो उसको आप नीम नीम फेस वॉश दे दें, नीम कैप्सूल दे दें, और ये नीम नीम प्लस एक एंटी एक्ने पिंपल जेल दे दें। इससे क्या होता है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। इससे क्या होगा कि जो उनके चेहरे पे जो पिंपल हो रहे हैं वो तो खत्म हो गई, लेकिन दोबारा से जो पिंपल होने वाला है उस बैक्टीरिया को ये रोकने का काम करता है, उसको दोबारा आने नहीं देता। उसी तरह दोस्तों अभी जो मैंने बताया, जो हमारे चेहरे के इधर तिल होता है, बहुत लोगों के में देखे हो गया, ये कमजोरी के लक्षण भी होते हैं और टेंशन का भी कारण होता है, और प्लस हमारे खान पान की वजह से भी होता है। तो यही जो छोटे छोटे चीज होते हैं, ये बड़े रूप लेके झाई बनते हैं, जिसको बोलते हैं झाई। ये इसको आप हल्के में ना लिए, छोटे जो छोटे छोटे जो तिल हैं ये बड़े बड़े कब हो जाएंगे, आपके चेहरे में कब दाग धब्बे देंगे पता नहीं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत जबरदस्त है पपाया लाइट। दोस्तों अभी ठंड का मौसम आ गया है, आप इसको बिल्कुल आपके चेहरे में जहां भी अगर आपको ऐसा तिल दिख रहा है, झाई दिख रहा है, वहीं अप्लाई करना है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पपाया लाइट, ये जो क्रीम है, आपको पता है मैं पपीते का बेनिफिट्स आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो क्रीम है दोस्तों, आप किसी को भी दें तो इसको पूरे चेहरे में लगाने के लिए ना बोलें, ये सिर्फ जहां पे हमारा जो दाग है, धब्बा है, झाई है, वहां पे इसको लगाएं, ठीक है। और हो सके तो हाथ से ना लगाएं, कॉटन या रुई से इसको
वहां पे लगाएं, क्योंकि बहुत सारे, मैं इसलिए हाथ से लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, आपको अजीब लग रहा होगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद वो ना साबुन से हाथ नहीं धोते अपना, नहीं धोते ना, तो उससे क्या होता है जो हमारे उसमें तेल मिर्च नमक जो जो भी लगे रहते हैं वो हमारे स्किन पे उस क्रीम के साथ लग जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हाथ से ना लगाएं इसको, कॉटन या रुई या किसी भी चीज से जो आपके पास अवेलेबल है उस चीज से लगाएं, इससे बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा और साथ ही साथ ये उसको खत्म करेगा, आपके चेहरे पे लाइटिंग लाएगा दोबारा, उस झाई या ये छोटे छोटे जो तिल है उनको आने के लिए रोकेगा, तो आप इसका यूज करें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, अभी आप मेंस को देखो वुमेन्स को देखो, यहाँ डार्क सर्कल्स होते हैं हमारे आंख पे, इसको डार्क सर्कल्स होते हैं, ज्यादा डार्क सर्कल्स मतलब बहुत सारा टेंशन, बहुत टेंशन में है इसीलिए इसके चेहरे पे इतना इसका आंख काला काला है, बोलते नहीं बोलते हम लोग, लेकिन नो वो भी कमजोरी की वजह से होता है, और कुछ कुछ हम ऐसे क्रीम या कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें उन सभी चीजों का सामना करना पड़ता है। कभी भी अगर आपके चेहरे में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही अपने चेहरे पे कुछ भी चीज का यूज करें, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपका चेहरा खराब होते देरी नहीं लगेगा, कुछ भी चीज अपने चेहरे पे अप्लाई ना करें। हाँ और मैं एक बात बता दूं आपको, कभी भी आप कुछ चीज चाहे अल्टोस से हो या बाहर से कुछ भी चीज आप यूज करते हो, तो जो हमारा जो ईयर है दोस्तों, यहाँ का जो चमड़ी होता है, यहाँ का जो हमारा चमड़ी होता है ये सबसे ज्यादा नाजुक होता है, कुछ भी आप अगर यूज करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप अप्लाई करके देखें, अगर यहाँ आपका सूट कर लिया लाइक उसमें दाने नहीं आए, जलन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का इचिंग नहीं हुआ, तो आप उसको अपने पूरे फेस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारा चेहरा होता है वहां से भी ज्यादा पतला यहाँ का हमारा चमड़ी होता है। आप देखते होंगे पार्लर में कभी भी हम जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे यूज करते हैं, आपको कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है ये हाथ वाथ से नो, यहाँ पे आप यूज करें उसके बाद अपने पूरे स्किन पे उसको अप्लाई करें, ठीक है। किसी भी चीज को अपने चेहरे पे अप्लाई ना करें, इससे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इससे क्या होता है हम परेशान रहते हैं, हमारे चेहरे पे इतने सारे दाग हो गए, धब्बे हो गए, ये हो गए वो हो गए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने क्या क्या यूज किया। सबसे पहले आपको आपके चेहरे पे क्या सूट कर रहा है क्या नहीं ये देख के आप यूज करें, चाहे वो अल्टोस का प्रोडक्ट हो चाहे वो बाहर का प्रोडक्ट हो, कभी भी कुछ भी चीज अपने स्किन पे अप्लाई ना करें, इससे आपको आगे चल के दाग धब्बों से ग्रसित होना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं बात करती अंडर आइस क्रीम का, तो हमारे पास बहुत ही जबरदस्त एक प्रोडक्ट है अंडर आइस क्रीम, इसको अगर आप अपने आंख पे लगाते हो, आपके आंख पे जो जितने भी काले घेरे हैं उस पे लगाते हो, तो ये महज 4 हफ्तों में आपको 80% आपको रिजल्ट देगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसको, अगर आपके घर में माताएं बहनें या आप खुद हो, आप स्वयं हो, अगर आपके नीचे काले घेरे दाग धब्बे हैं तो आप इसको लगाते हो तो महज 4 हफ्तों में आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगा। और साथ ही साथ जो हमारे चेहरे पे जो हमारे आंख के नीचे सूजन होता है या बहुत तरह की ऐसी प्रॉब्लम होती हैं उनको ये दूर करता है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के ऐसे होते हैं दोस्तों कि उनका नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, वो ठीक नहीं होता, बहुत लोगों के नेचुरली वैसे होते हैं, उसमें काम नहीं आएगा, अगर नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, कई लोगों के में नेचुरली वो जो ब्लैक अंडर आइसक्रीम के जो नीचे काला काला होता है वो नेचुरली होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको यूज करें और अपनी आंखों को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारे आंखें लगती हैं, अपने आंख होंठ सबको एकदम चकाचक रखें लिप बाम लगा के, और हमारा ये जो अंडर आइस क्रीम है इसको लगा के अपने काले घेरे को दूर करें, और साथ ही साथ अपने स्किन को भी लाइटिंग ग्लो दें। इतने सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स के खजाने हैं, और मैं आपको जो मैं आपको बताई कोल्ड क्रीम का, उसका बिल्कुल आप लोग इसका यूज करें और मुझे उसका रिजल्ट बताएं, क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट पाया है। हल्दी केसर को कोल्ड क्रीम के साथ लगा के इसको बिल्कुल यूज करें, और अभी ठंड का मौसम आ गया है दोस्तों, इसमें ज्यादा हमारे स्किन को देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इससे क्या होता है जो ऑयली स्किन भी होता है वो ड्राई हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास ब्यूटी फेस पैक है, इसका डेली डेली आप उपयोग करें, डेली 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 डेली, जब आप नहाने जा रहे हो नहाने जाने के पहले 15 मिनट पहले आप इसको एकदम पतले लेयर में आप लगाएं,
लेकिन अपने घर के वाटर से नहीं, हमारे अल्टोस का जो रोज वाटर है उससे इसको घोल के लगाना है, लगाना है मतलब घर के वाटर से नहीं, रोज वाटर से इसको लगाएं। इससे क्या होगा कि जो आपके चेहरे में जितने भी एक्ने हैं, दाग धब्बे हैं, जो भी हैं, इसको आप डेली यूज कर सकते हैं अपने चेहरे पे। मैं 100% बोल सकती हूँ आपके चेहरे का फेयर बदल जाएगा, आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं वो खत्म हो जाएगा, आप कैसे खूबसूरत हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आप महज 15 दिन में, 1 महीने में ऐसा क्या लगा लिए कि आपका चेहरा इतना सुंदर हो गया, हर कोई पूछता है। अगर आप में थोड़ा सा भी बदलाव आया तो हर कोई जानने का कोशिश करता है दोस्तों। तो इसको आप बिल्कुल यूज करें, डेली यूज करें, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद मैं बात करूं थोड़ा सा क्रीम के बारे में, व्हाइटनर ग्लो क्रीम। दोस्तों मार्केट से हम तो बहुत सारे क्रीम यूज करते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, बट बहुत सारे क्रीम यूज करते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि उसमें केमिकल बहुत ज्यादा होते हैं। केमिकल जैसे कि मांस, जरूरी नहीं कि केमिकल मतलब कुछ पाउडर वाउडर नहीं, उसमें मांस का भी बहुत ज्यादा मिक्स रहता है जो बाहर के जो क्रीम होते हैं। लेकिन हमारे अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड के क्रीम में पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें, हमारे पास 3 तरह की क्रीम है, उन सारी क्रीमों का यूज करें और अपने स्किन को बहुत खूबसूरत बनाएं। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगी, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम मेरा फेशियल का रहेगा तो अपने चेहरे पे फेशियल कराएं और अपने आप को बहुत बेहद खूबसूरत बनाएं। हमारे आदरणीय सर का ये नारा है, खूबसूरती की हद पार करें, हद पार करें, हद पार करें। और हमारे अल्टोस जबाज टीम में जो आ गए हैं वो तो और ज्यादा करें, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा जाते जाते आपको दोस्तों जो हमारा अल्टोस का अभी बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त एक हेयर के बारे में आया है, क्योंकि अभी ठंड का समय आ गया है, इसमें रूसी होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। जो हमारा सिर होता है, अगर उसमें ज्यादा ठंड पड़ता है, हम उसको सिर्फ शैम्पू से वॉश करते हैं, उसमें ऑयल नहीं लगाते, तो उसमें क्या होता है, रूसी और डैंड्रफ हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए हमारे पास अल्टोस ने बहुत जबरदस्त जबरदस्त ऑयल लाया है। जैसे अभी आपका ऑनियन ब्लैक सीड है, भृंगराज है, 9 in 1 है, ये सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं खास आपको सजेशन देना चाहूंगी कि अभी जो हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग है ऑनियन ब्लैक सीड, इसमें क्या है, इसमें जितने भी ऑयल हैं, जितने भी हमारे सिर के लिए जो बहुत ज्यादा अफेक्टिव है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, वो सारी चीजें इसमें मिला हुआ है। दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें प्याज का रस मिला हुआ है, इसमें कलौंजी का तेल मिला हुआ है, इसमें मोरक्कन ऑयल मिला हुआ है, इसमें जैतून का तेल मिला हुआ है, इसमें जोजोबा ऑयल मिला हुआ है, इसमें बादाम तेल मिला हुआ है। तो जितने भी हमारे सिर के लिए अवेलेबल है सारी चीजें मिले, सबसे पहले इसमें प्याज का रस मिला हुआ है। जो प्याज का रस होता है दोस्तों, ये हमारे सिर के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको दूर करता है। ये सारी चीजों को एक सार में हमारे अल्टोस ने लाके हमको दिया है। तो आप इसका यूज करें, ये आपके झड़ते बालों को रोकेगा, आपके जो हेड में जो सूखापन है उसको दूर करेगा। अब मैं एक एक बताऊंगी तो और बहुत समय हो जाएगा, इसको फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन जितने भी, ये आपके जो हेड में वो मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा और हर तरीके से ये आपको डैंड्रफ फ्री रखेगा, आपके बालों को बढ़ाने का काम करेगा। जिसका ग्रोथ रुक गया है, बालों का ग्रोथ रुक गया है, उसको ये ग्रोथ देने में काम करेगा। इस सारी चीजों को ये एक ही ऑयल मेंटेन करेगा। इसके साथ हमारे पास बहुत सारे शैम्पू हैं, उन शैम्पुओं का आप यूज करें और अपने बालों को, क्योंकि पर्सनालिटी के साथ साथ बाल भी होने बहुत जरूरी हैं। हमारी खूबसूरती का अहम हिस्सा है हमारा बाल। हमारे पास बाल नहीं होते तो हमें इंसल्ट लगता है कहीं जाने में, यस और नो? और अभी बहुत ज्यादा बाल झड़ने की शिकायतें हैं। उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए हमारे अल्टोस ने हमें पहले से ही वो चीज ला के दे दिया है, तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग सुन रहे हो? हाँ, तो थोड़ा सा हमें मुझे बताइएगा, ठीक है, समझ आ रही होगी तो, है ना? तो बिल्कुल इस चीज का आप यूज करें और अपने पूरे बॉडी को, अपने चेहरे को और अपने बाल को बेहद खूबसूरत बनाएं। तो इसी के साथ आज मुझे बोलने का मौका दिए मेरे आदरणीय अपलायंस ने, तो उनको मैं प्रणाम
प्रणाम करना चाहूंगी, बस इतना ही बोलना चाहूंगी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतने पेशेंस और इतने धैर्य से सुना, उसके लिए मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करती हूँ। और आशा करती हूँ कि जो भी मैं आज आपको बोल पाई वो आपको समझ आया, और अगर आपको खूबसूरत दिखना है, जबरदस्त दिखना है, अट्रैक्टिव लगना है, सबसे अलग लगना है, हजारों के बीच में वन पीस आपको दिखना है, तो ये सारी चीजों को आप यूज करें और खूबसूरती की हद पार करें। हमारे आदरणीय लेन मालिकपुरी सर बोलते हैं कि खूबसूरती की हद पार करो, हद पार करो, हद पार करो। मैंने तो स्टार्टिंग कर लिया है, और मेरा एक नारा है कि मैं अगर हजारों लाखों के बीच में खड़ी हूँ तो वन पीस लगूं, वैसी आप भी लगो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस।